हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। देखें, हर बार की तरह मैं आपको एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। काफ़ी सारे लोग को ऑलरेडी पता है, बट जिनको नहीं पता है, वेब सीरीज़ की शूट चल रही है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हम व्यस्त हो जा रहे हैं। आज है 19 अगस्त, जन्माष्टमी, तो आज के दिन हमारी क्रू की छुट्टी है। तो आज हम निकल गए अपने कुछ पर्सनल काम करने के लिए। हम फिलहाल पापा के साथ हैं, पापा यहाँ पे हैं और अभी हम जा रहे हैं Hyundai की सर्विस सेंटर, क्योंकि गाड़ी लिए हुए ऑलमोस्ट 1.5 महीने का वक्त हमारा हो चुका और हमारी गाड़ी की सर्विस ड्यू थी। तो अभी हम जा रहे हैं कोकर सर्विस सेंटर में गाड़ी की सर्विस करवानी है और काफ़ी सारी अपडेट्स आपको देनी है इस व्लॉग के थ्रू, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और बहुत सारे सवाल भी हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे थे इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी चीज़ें। आई डोंट नो इसको एक प्रॉपर ब्लॉग बोलना सही रहेगा, ब्लॉग ही है बट बहुत तरह की बातें होंगी इसमें, नो स्पेसिफिक टॉपिक। बाकी सर्विस सेंटर पहुँच के मिलते हैं। ऑलरेडी जी, तो सर्विस सेंटर हम पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट 2 घंटे का वक्त यहाँ पे लगने वाला है। हमें 11 बज रहे हैं, तो 1 बजे के आसपास हम यहाँ से फ्री होंगे। हमारी गाड़ी की पहली सर्विस और पहली सर्विस में वॉशिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और 1-2 एक्स्ट्रा एसेसरीज़ है जो कि मुझे यहाँ से लगवाने, मैट वगैरह मुझे लगवाने थे। ऐसे तो ये काम मुझे काफ़ी पहले कर लेना चाहिए था, बट बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे, मैं भी ऑक्यूपाइड था, पापा भी ऑक्यूपाइड थे। तो अपडेट ये करीब 3 घंटे हो चुके हैं, बीच में लंच ब्रेक हो गया था। बाकी गाड़ी की सर्विस ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, वैक्यूम क्लीनिंग वगैरह हो रही है और उसके बाद 2 एक्सेसरीज जो मैंने आपको बताया था वो हमने फिट इन करवा रही है। पहली सर्विस फ्री थी, एक्चुअली 3 सर्विस फ्री है नई गाड़ी पे। बाकी एक और बहुत प्यारी एक्सेसरी मैंने ऑर्डर करी थी अमेजोन से, जिसको मैं रात में फिट इन करूँगा खुद से, है ना, वो मैंने मंगवा के रखी थी। पापा यहाँ पे आज तो बोर हो गया पापा। हाँ बिल्कुल, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया, बहुत ज़्यादा कार्स की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, छुट्टी है इसलिए रश ज़्यादा था। बाकी ये रही हमारी गाड़ी पीछे, वैक्यूम क्लीनिंग का काम चल रहा है। बाकी आधे घंटे में यहाँ से निकलेंगे और फिर देखते हैं क्या प्लान रहता है आपको। बाकी आपको अपडेट्स मुझे देनी है, तो वेट करें आप थोड़ा ज़रा। गाड़ी हमारी यहाँ पे सर्विस डन हो गया, अभी हम निकलते हैं। काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया, उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया, बट क्या ठीक है, जस्टिफाइड है। कार पूरी पियानो ब्लैक इंटीरियर्स के साथ है और जब ये पॉलिश होगी ना तो क्या ही खूबसूरत दिख रही है। बाकी ये रहा हमारा बिल, आपको मैं दिखाता हूँ। मतलब सर्विस चार्जेस वगैरह तो कुछ भी नहीं लगे। 5319 ये हमारा बिल का अमाउंट था, जो कि बेसिकली हमने जो मैट लगवाया उसके ही चार्जेस थे। सो ऑल गुड यार, सर्विस काफ़ी अच्छी लगी और एवरीथिंग इज़ लुकिंग परफेक्ट। तो घर आए हुए कुछ आधे घंटे हो चुके हैं और अभी मुझे फिर से बाहर जाना है। बाहर इसलिए जाना है क्योंकि मुझे मिल रहा है सोनल से। सोनल रांची आई हुई है, कुछ को आए हुए कुछ 10-12 दिन हो गए। 14 अगस्त को था सोनल का बर्थडे और बर्थडे के दिन मैंने व्लॉग तो नहीं किया बट हमने सेलिब्रेट अच्छे से करा था। उसकी बर्थडे गिफ्ट मैंने ऑर्डर करी थी बट उसको आने में थोड़ा सा वक्त लग गया, वो मुझे कल शाम डिलीवर हुई थी। तो आज मुझे उसको उसके गिफ्ट्स देने हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड भी करना है साथ में, तभी मुझे वहाँ जाना है। बाकी गिफ्ट में क्या वो तो आपको हम दिखाई देंगे, बट नाउ द ओनली प्रॉब्लम इसकी बाहर हो रही है बड़ी तेज़ बारिश। मैं तो कार से चला जाऊँगा बट सोनल को आना इज थोड़ा प्रॉब्लम। तो ऐसा कि बस अभी निकलेंगे, बट निकलने से पहले लेट मी टॉक टू अबाउट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मामाअर्थ जो कि मैंने रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है। सो नॉट एक्चुअली रिसेंटली बट कुछ ज़्यादा टाइम हो गया मुझे इन दो प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए। दिस इज ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर फ्रॉम मामाअर्थ। सो आई हैव गॉट दिस विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर फ्रॉम मामाअर्थ and also I have got the tea tree oil free face moisturizer. So now both of these particular products are suitable for all skin types. अभी recently हम web series की shoot कर रहे हैं तो जितने भी actors हमारे हैं ना, जब भी वो makeup करते हैं तो first layer coating moisturizer की होती है। So we are using this particular moisturizer जो कि बहुत अच्छा एक radiant effect भी देती है और एक glow effect भी देती है, and this particular thing also helps in reducing the hyperpigmentation. तो मैं ये product daily basis पे use करता हूँ because ये है toxin free यानी कि 100% natural. And the best part about both of these moisturizers are कि ये बिल्कुल non-sticky है। As always, मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स यूज़ नहीं किया जाता है। जब भी आप इनसे परचेज करते हो तो ये आपकी ऑर्डर को अपनी वेबसाइट पे लिंक करते हैं और आपके नाम पे एक पौधा उगाते हैं जिसकी एक्जैक्ट जियो लोकेशन, स्पीशीज और इमेजेस आपको सेंड भी करते हैं। एंड बाई ईयर 2025 मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million trees एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। एंड ऑल्सो मामाअर्थ इज प्लास्टिक पॉजिटिव विच मीन्स दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे एक्चुअली यूज इट। यू कैन शॉप द मामाअर्थ प्रोडक्ट फ्रॉम Amazon, Purplle एंड Nykaa और मामाअर्थ की वेबसाइट से भी आप शॉप कर सकते हो और वहाँ मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो विच इज Ranchite 2022 यूजिंग विच यू विल बी गेटिंग फ्लैट 20% ऑफ ऑन द बिल। एंड वेट, डोंट फॉरगेट टू इंस्टॉल द मामाअर्थ का ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन जहां पे आपको सेल की अर्ली एक्सेस मिल जाएगी और बढ़िया डिस्काउंट्स तो मिलेंगे ही। ऑलराइट, तो ये वाली एक्सेसरी के बारे में मैं बात कर रहा था, इसको मैंने अमेजोन से मंगवाया था। इसको हम फिट इन करेंगे अपनी कार में, फिलहाल इसको यहाँ रहने देते हैं। ऑलराइट जी, तो आधे घंटे वेट कराने के बाद फाइनली सोनल सिन्हा इज हियर। हाय, हेलो, हमें अच्छे से बोलने को बोला गया। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, अभी अभी गिफ्ट मिली है हमें। तो ये है हमारा बर्थडे गिफ्ट, थोड़ा लेट पहुँचा बट कोई नहीं, गिफ्ट अच्छा है तो ठीक है। काम की चीज़ मिली है आपको? हाँ, काम की चीज़ मिली है मुझे, एलेक्सा विद अ स्मार्ट बल्ब एंड अ स्मार्ट सॉकेट। यस, तो ये चाहिए, मतलब ये था कि लेना है बट मेरे को पता नहीं था कि मुझे यही मिलने वाली गिफ्ट पे। आई एम हैप्पी और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं ये सब भींग के आई क्योंकि ऑफिस चल रही थी मेरी और अभी मैं 1-2 दिन में वापस बैंगलोर जाने वाली हूँ। और मैंने किया है एक छोटा सा कांड अपने साथ। मैं जब बैंगलोर से आ रही थी उसके एक रात पहले क्या हुआ कि मेरी एंकल हो गई ट्विस्ट, मैं थोड़ा स्टेज से फिसल गई थी उसके वजह से। एंड टिल नाउ आई एम नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, तो उसके भी वजह से आप लोग मुझे व्लॉग्स में नहीं देख रहे थे क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं आके मिल पा रही थी। उसको लेजीनेस बोलते हैं, नहीं लेजीनेस, उसको लेजीनेस बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा है, ऐसा एक्टिंग होता है। अच्छे से एक्टिंग भूल गए, यहीं से स्टार्ट हुआ है फिल्म प्रोडक्शन बस यहीं से। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। ऑलराइट जी, तो एक अच्छा खासा टाइम हमने स्पेंड किया सोनल के साथ। मौली और ऋतिक भी आ गए थे तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर काफ़ी सारे लोग थे और पता है बहुत दिन के बाद जब व्लॉग करो ना तो अंदर से कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो कम से बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और मेरे साथ फिलहाल वही हो रहा है। तो ही मैं जा रहा हूँ ओवरब्रिज के डाउन पे, मुझे आयुष को पिक करना। आयुष की एक शो थी, एक कॉन्सर्ट था जहाँ पे वो गाना वगैरह गाने गया था। खैर आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, आयुष इज़ अ सिंगर, तो वो अलग अलग जगह पे कॉन्सर्ट और शोज़ वगैरह करता है अलग अलग लाउंज वगैरह में। तो ऑलमोस्ट 9:30 इन द नाइट राइट नाउ, तो पहुँचने में थोड़ा सा वक्त तो मुझे लगेगा। बाकी आज पूरी शहर की ना मतलब बिजली गई हुई है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है आज। कैसा रहा शो? बहुत अमेजिंग। हेलो जी, सो टुडे इज़ डे 2। कल रात में वापस आया और उसके बाद मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत बची नहीं थी कि मैं व्लॉग कंटिन्यू करूं। तो अभी सुबह के बजे ऑलमोस्ट 11:30। आज के दिन हमारा शूट है बट मैंने सोचा पहले इस व्लॉग को कंप्लीट कर लेते उसके बाद शूट पे जाने, क्योंकि ऑलरेडी शूट की वजह से ना व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। बट ठीक है यार, कुछ बड़ा करे तो कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना बनता है। एंड आई थिंक ये जो कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर रहा हूँ इसका रिजल्ट आपको फाइनल आउटपुट में दिखेगा जो कि हमारी वेब सीरीज़ का होगा। तो वेब सीरीज़ के बारे में आपको मुझे अपडेट्स देनी थी। तो देखें ऐसा है कि शूट करीब 80% हमारी डन हो चुकी है एंड आई थिंक अगले 8-10 दिनों की शूट अगर हम और करते हैं लगातार, तो प्रॉब्लम इस कराची में भी बारिश हो रही है तो आउटडोर शूट्स हमारे कुछ बाकी हैं जो कि वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर 8-10 दिन का हमें टाइम मिलता है वर्किंग डेज तो हम पूरी शूट कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को इंस्टाग्राम पे आते हैं तो मैं उसको Q&A की तरह नहीं बनाऊंगा बट मैं आपको ऐसे अपडेट दूंगा तो बहुत सारे सवालों के जवाब खत्म हो जाएंगे। बट 1 और 2 कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं कि ये रिलीज़ कब होगी। देखिए रिलीज़ की डेट सच बता रहा हूँ तो मैंने सोच रखा है कि नवंबर के आसपास हम इसे रिलीज़ करेंगे, बट ये उससे पहले भी हो सकती है उसके बाद भी हो सकती है। बट डोंट कोट मी ऑन दैट बिकॉज अभी एक प्रॉपर मीटिंग होगी इसको मार्केट करना, बिकॉज जिस लेवल का कॉन्टेंट हम क्रिएट कर रहे हैं ना आई वॉन्ट कि YouTube के भरोसे ना रहा जाए कि भाई YouTube पुश करेगा कंटेंट को। देखो कंटेंट अच्छा है YouTube पुश करेगा बट इनिशियल किक मुझे खुद से देनी है अपनी ऑडियंस को। तो अच्छी खासी मार्केटिंग भी हमें करनी है जिसमें आप लोग की मुझे हेल्प चाहिए होगी, या आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे हमारे लिए उतना अच्छा होगा। तो दैट इज़ द रीज़न कि आई एम नॉट श्योर कि ये रिलीज़ कब होने वाली है। बाकी दूसरा कॉमन क्वेश्चन ये था कि आप कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करके आ रहे हैं। तो हमारे साथ बैठे हमारे DOP साहब यानी कि आकाश, आप इनको ब्लॉग्स में देखते रहते हैं, इन्होंने भी ब्लॉग बनाना छोड़ दिया है वैसे क्योंकि सबको क्योंकि सबको मैंने वेब सीरीज़ में ही इंक्लूड कर लिया है। सो कैमरा दिखा दो यार आकाश। कैमरा हम यूज़ कर रहे हैं A7S III और इसके साथ जो लेंसेज है हमारे पास, एक है 28mm टू 70mm और एक 50mm 1.8 और एक 24mm। तो जैसा कि आकाश ने बताया ये है हमारा कैमरा सोनी A7S III और इस पर ही हम शूट करें। बाकी काफ़ी सारे लेंसेज भी हमारे पास है जिसको हम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन किस कंडीशन में हम शूट कर रहे हैं और किस तरह की शॉट ले रहे हैं उस पर हम चेंज करते हैं। 3-4 लेंसेज भी अपने पास मिड वाइड क्लोज हर के लिए अलग अलग लेंसेज है। तो क्वालिटी जो हम आपको देंगे यार ट्रस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी जो आपने मेरे से पूछी थी कि कितने एपिसोड्स आने वाले हैं, सिर्फ YouTube पे रिलीज़ होगी, कहाँ पे रिलीज़ होगी। तो बस देखो इनिशियली तो ये मेरे YouTube चैनल पे रिलीज़ होगी, इसी चैनल पे जहाँ पे आप ये व्लॉग देख रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी इसके अलावा भी कुछ और प्लेटफॉर्म से हमारी बातें चल रही है बट क्योंकि अभी तक वो फाइनलाइज हो नहीं रखा है तो उसके बारे में अभी आपको नहीं बता सकता। और कितने एपिसोड्स हैं तो एपिसोड में वेरी बिटवीन 5 to 7 एपिसोड्स डिपेंडिंग अपॉन कि हम एडिट में कितना लंबा लेकर के जाना चाहते हैं। तो ये सब अपडेट्स थी जो मुझे आपको देनी थी। व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हो व्लॉग्स का, आई नो। तो मुझे सिर्फ 10 से 15 दिन का टाइम चाहिए, उसके बाद रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। ये बात तो मतलब आप लिख करके ले लो कि बहुत ज़्यादा रेगुलर व्लॉग्स आने वाले हैं। तो बस यही अपडेट मुझे आपको देनी थी कि इस वक्त प्रायोरिटी जो हमारी है वो वेब सीरीज़ की शूट है। ये खत्म होने के बाद व्लॉग्स में रेगुलरली अपलोड करूँगा जैसा मैंने आपको बताया। और अभी ऐसा कि हमारे टीम मेम्बर्स एक करके आने वाले हैं और अभी शूट स्टार्ट होगा। तो अगले वाले व्लॉग में मोस्ट वाली मैं आपको कुछ बिहाइंड द सीन्स दिखाऊंगा तो उसका आप इंतजार करिएगा। बाकी अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया फॉर व्हाट्सएवर रीजन प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइबर अकाउंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। शेयर करो अबाउट आवर सीरीज लव लेन। एंड ऑल्सो मैं एक इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे मैंशन कर रहा हूँ, मेक श्योर कि आप उसको फॉलो कर लेना। हर दिन के अच्छे छोटे BTS आपको इंस्टाग्राम पेज पर देखने को मिल जाएंगे तो प्लीज़ डू फॉलो फील्स फिल्म, है ना। और आपको अपडेट्स वहाँ पर मिलती रहेंगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए डू वॉट यू लव, लव वॉट यू डू, बाय बाय।